हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि सभी लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं काफ़ी दिनों बाद एक वीडियो बना रही हूँ, एक प्लांट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ। ये प्लांट है बोस्टन फर्न। ये बोस्टन फर्न है। ये देखिए, ये मैं प्लांट, एक छोटा पौधा मैं लेके बैठी हूँ। तो ये बोस्टन फर्न है, इसे कई सारे नाम से जानते हैं। सोड फर्न, फिश बोन फर्न, फर्न भी कहते हैं, क्योंकि ये देखिए इसकी लीफ बिल्कुल फिश बोन जैसी है। तो आज मैं इसके बारे में बात करूँगी कि इस प्लांट को हम कैसे रखें कि प्लांट हेल्दी बना रहे और खूबसूरत लगे और अच्छे से ग्रो करें। तो ये देखिए, इस टाइम ये मौसम इसकी ग्रोथ का टाइम है, तो इसकी इस तरह से ये पत्तियों में ग्रोथ है। ये देखिए, ये यहाँ पे इस तरह से ग्रो कर रहा है, इसमें ढेर सारे पौधों में ये ग्रोथ है, यहाँ पर भी ये ग्रोथ दिख रही है, ये भी है। अब ये बहुत अच्छा टाइम है इसकी ग्रो करने का। सर्दियों में सभी प्लांट डोरमेंसी में चले जाते हैं, तो उस तरह से ये भी डोरमेंसी में चला जाता है। तो फरवरी के बाद फिर ये रिकवर होना शुरू हो जाता है। तो इस प्लांट के बारे में हम पहले इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, ये मेरा वोस्टन फर्न का प्लांट है, इसे कई नाम से जानते हैं, इसे सोड फर्न और फिश बोन फर्न भी कहते हैं। ये अमेरिका का नेटिव है और ये एक पेरेनियल प्लांट होता है। तो इसका मदर प्लांट मेरा गार्डन में है, इसे मैंने एक छोटे से प्लास्टिक पॉट में डिवाइड करके लगाया हुआ है। इसकी पत्तियाँ 1 मीटर के लगभग हैं। जो मेरा मदर प्लांट है उसकी पत्तियाँ बहुत लंबी, 1.5 मीटर के आसपास की हैं, तो इसकी हाइट बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत ऊंचा हो जाता है। फर्स्ट नंबर पे हम इसके सॉइल मिक्स के बारे में बात करते हैं कि इसका सॉइल हम कैसे तैयार करें। तो चूंकि ये एक ह्यूमिड नेचर का प्लांट है, ह्यूमिड लविंग प्लांट है और ट्रॉपिकल रीजन का पौधा है, तो इसकी सॉइल में मॉइस्चर होना चाहिए। तो इसकी जो सॉइल में हम कोशिश करें कि कोकोपीट मिला लें और गार्डन सॉइल और कंपोस्ट, साथ में सैंड, ये चारों का मिक्सचर तैयार करें तो बहुत अच्छा बनेगा। इसके नेचर के ही वाइज अच्छा सा सॉइल मिक्स तैयार होगा। और एक बार में इस तरह का मिक्सचर तैयार करके हम इसे रिपोर्ट कर दें, तो उसमें इसका रेशियो जो है वो 60% हम गार्डन सॉइल ले लें और 20-20 के रेशियो से ये दोनों तीनों चीज़ें ले लें। कोई भी कंपोस्ट हो, चाहे वो गोबर की खाद हो या वर्मी कंपोस्ट, कंपोस्ट कोई भी हो, और सैंड, और 60% गार्डन सॉइल इस तरह से, और 20% कोकोपीट, इस तरह से मिला के इसको रिपोर्ट कर दें, तो प्लांट अच्छे से रहेगा। थोड़ा सा कोकोपीट पानी को होल्ड करता है, वाटर को, तो वो मॉइस्चर बना रहेगा मिट्टी में, और सैंड से पानी जो है ड्रेन हो जाएगा आसानी से, और जो हम कंपोस्ट मिलाएंगे तो वो ने उसकी न्यूट्रिशंस उसको प्रोवाइड कराएगा। तो इस तरह से हम इसका एक मिक्सचर तैयार करेंगे, तो प्लांट अच्छा सा हेल्दी ग्रो करेगा, तेज़ी से, आसानी से ग्रो करेगा। और हमें बहुत ज़्यादा इसके पॉट पे ध्यान ये रखना है कि जो हम पॉट सेलेक्ट करें उसमें होल बड़े हों ताकि इजीली पानी निकल जाए, क्योंकि अक्सर पॉट्स में ये प्रॉब्लम हो रहती है कि पानी होल्ड हो जाता है, और पानी के रहने से प्लांट की जड़ें ख़राब होने का बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। तो इस वजह से इसे बड़े होल वाले पॉट में लगाएं, प्लास्टिक के पॉट में भी, क्योंकि ये इंडोर प्लांट है, इसे प्लास्टिक के पॉट में भी लगा सकते हैं। आपने देखा, इसे मैंने प्लास्टिक में लगाया है। मेरा साल भर पहले ये मिट्टी के गमले में लगा हुआ था, जब भी वो चूंकि वो बहुत ज़्यादा भर गया था,
उसकी रूट्स बिल्कुल बाहर हो, एकदम बाहर हो गई थी, गमला फटने जैसी कंडीशन में था। तो मैंने उसे रिपोर्ट किया था उस टाइम, फिर मैंने इसे डिवाइड करके अलग करके ये गमला एक अलग तैयार किया, और एक गमला और जो बड़ा वाला मदर प्लांट है उसे भी मैंने प्लास्टिक के ही पॉट में लगाया, क्योंकि मैंने देखा कि प्लास्टिक के पॉट में बड़े बड़े होल्स होते हैं, पानी रुकते नहीं है, आराम से निकल जाते हैं। मिट्टी के गमले में अक्सर पानी वो मिट्टी के से होल्स बंद हो जाते हैं, जो उसमें ये प्रॉब्लम आती रहती है कि पानी उसमें जमा होने लगता है, तो उसके होल को वो खोलने की प्रॉब्लम होती है, तो फिर उसको बावरी पॉट करने की ज़रूरत रहती है। तो बेटर होता है कि अगर आपका इंडोर प्लांट है, धूप में नहीं रखना है, तो आप प्लास्टिक के पॉट में भी रख सकते हैं। प्लास्टिक के पॉट बहुत ही इस तरह से अच्छे होते हैं, क्योंकि इसमें बहुत छेद काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, और जब मैं प्लांट लगाती हूँ तो पहले मैं उसके सरफेस पे मैं कपड़े लगा देती हूँ। कपड़ा लगा के उसमें पानी छन जाता है ना, मिट्टी भी नहीं बाहर निकलती, बहती नहीं है। उसके बाद फिर ये मिक्सचर आप भर दीजिए और प्लांट को लगा दीजिए, तो बहुत अच्छा रहता है, पानी छन के बाहर निकलता है और साथ में सॉइल भी नहीं बहती बहता है, क्योंकि मिट्टी भी एक प्रॉब्लम होती है, मिट्टी बह जाती है, मिट्टी भी आजकल आसानी से नहीं मिलती है। तो इस तरह से आप गमले को लगाएं, और मिट्टी के पॉट में जो पौधे लगाएं तो वो फुल सन में रहने वाले पौधे हमेशा मिट्टी के ही पॉट में लगाने में, मुझे मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं फुल सन में रहने वाले जितने फ्लावरिंग प्लांट हैं मैं उसे मिट्टी के पॉट में या फिर सीमेंट के पॉट में लगाती हूँ। अब सेकेंड नंबर पे हम बात करते हैं इसके वाटरिंग की, कि हमें कितना वाटर इसको देना है, क्योंकि बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा पानी दे दिया जाता है तो प्लांट मरने लगता है, उसकी जड़ें सॉफ्ट होती हैं तो गलने लगती हैं। तो ये वैसे इस तरह का प्लांट तो नहीं है, क्योंकि इसकी जो ये इस प्लांट की पत्तियों में ही तीन पार्ट होते हैं, इसी में रूट होती है, इसी में स्टेम होती है, और एक पार्ट में तीन हिस्से में ये बटा हुआ है, ये एक पेरिनियल प्लांट होता है। तो इसमें जो है तीनों हिस्सा एक ही पत्ती में, एक ही स्टिक में है सारा पार्ट, इसमें इसी में रूट्स हैं, इसी में स्टेम है, और इसी में लीफ भी है। तो ये प्लांट क्योंकि इसकी जो लकड़ी की तरह जो है बिल्कुल वुडी इसकी स्टेम है, तो ये गलने का इसकी में डर तो नहीं होता है, लेकिन कोई भी प्लांट ज़्यादा पानी से तो ख़राब होता है, तो इस वजह से। लेकिन ये एक मॉइस्ट नेचर का प्लांट है, इसे नमी चाहिए, इसकी सॉइल में नमी हमेशा चाहिए, तो इसको पानी जैसे आपको लगे कि पानी सूख रहा है तो तुरंत इसमें पानी डाल देना चाहिए, सरफस अगर सूखी दिखे, क्योंकि फिर अगर नहीं ऐसा करेंगे तो पत्तियाँ पीली पड़ने लगती हैं, इसकी ग्रीनरी ख़त्म हो जाती है, और पानी जो है इसको प्रॉपर मिलता रहेगा तो ये हरा भरा खूबसूरत बना रहेगा। तो इसका पानी का ये ध्यान रखना है, सर्दियों में सभी प्लांट को पानी कम देना होता है, तो इसको भी कम पानी देना है, जब सरफेस लगे कि सूख गई है तो दे देना चाहिए, और गर्मी में तो डेली पानी देना पड़ेगा, क्योंकि ये प्लांट ह्यूमिड नेचर का है तो इसे पानी अच्छा ही लगता है। अब तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं इस प्लांट के प्लेस के बारे में। ये एक इंडोर हाउस प्लांट है, इसे हम टोटली इंडोर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे बहुत ज़्यादा अंदर रखेंगे तो प्लांट बहुत हेल्दी नहीं रहेगा। ये मैं एक्सपीरियंस किया कि जब मैंने इसे आउटडोर में ऐसी जगह रखा कि जहाँ शेड नहीं है, ब्राइट लाइट में ये रहता है, तो बहुत अच्छा ग्रो भी करने लगा, और ये इसकी पत्तियों में चमक बहुत खूबसूरत और बहुत ज़्यादा ग्रीन और बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगा। तो ये अगर इसे खुले में रखें या फिर शेड में रखें, थोड़ा सा पार्शियल सनलाइट में इसे रखें तो प्लांट अच्छा रहेगा, छन के धूप आए ऐसी जगह पे रखें, पेड़ वगैरह के नीचे रख दें तो अच्छा चलेगा, लेकिन कम्प्लीटली आप बहुत ही ज़्यादा डार्क प्लेस पे इसे रखेंगे तो प्लांट जब ख़राब होगा, क्योंकि वो उसमें नहीं रह पाएगा,
बहुत डार्क जगह पे, और बहुत तेज़ धूप में इसकी पत्तियों के कलर उड़ जाएंगे, पत्तियां बर्न होने लगेंगी, फुल सनलाइट में ये बिल्कुल नहीं चल पाएगा, सारी पत्तियां ख़राब हो जाएंगी। तो इसे आपको हटाना ही पड़ेगा। अगर 15-20 दिन भी आपने इसे फुल सनलाइट में रख लिया तो आपको खुद रिजल्ट पता लग जाएगा कि ये प्लांट कितनी तेज़ी से ख़राब हो रहा है। तो इस वजह से इसे फुल सनलाइट में बिल्कुल नहीं रखना है, शेड में रखना है, और शेड भी थोड़ा सा ब्राइट लाइट इसे मिलती रहेगी तो प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा और बहुत अच्छा खूबसूरत लगेगा, बहुत अच्छा ग्रो करेगा। अब बात आती है इसके फर्टिलाइज़र की। तो जब हम रिपोर्ट करें तो उसी टाइम हम इसमें फर्टिलाइज़र मिला दें, कंपोस्ट वगैरह किसी भी तरह की खाद का मिक्सचर में ज़रूर मिला दें ताकि ये फिर उसके साथ ये अच्छे से ग्रो करेगा। फिर उसके बाद साल में 2 बार 3 बार तो इससे ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि ये रिच न्यूट्रिशंस में रहने वाला प्लांट है, इसे बहुत ज़्यादा हैवी फर्टिलाइज़र में ये अच्छा सा ग्रो करता है। तो इसके लिए आप इसे विंटर के बाद, जैसे ही आजकल का ये मौसम है फरवरी के बाद मार्च में, इसमें प्रॉपर खाद डाल दें, कंपोस्ट कोई भी हो, चाहे वर्मी कंपोस्ट हो या गोबर की खाद हो, सब कुछ भी इसमें अच्छे से खाद डाल के फिर अगर इसे खाद एक बार दे दिया जाएगा तो 2-3 महीना आराम से चल जाएगा। बरसात में तो कोई बहुत ज़्यादा खाद डालने की ज़रूरत इसलिए नहीं होती क्योंकि बारिश में जो भी पड़ता है वो पानी के बह जाता है। तो एक बार अगर आप डाल देंगे तो 3-4 महीने में ये बहुत अच्छा गर्मियों तक ग्रो करता है, बहुत अच्छा हो जाता है। उसके बाद लिक्विड फर्टिलाइज़र वगैरह डालते रहें तो ये अच्छा ग्रो करता है। होममेड फर्टिलाइज़र बहुत अच्छा होता है, केले का और प्याज के छिलके का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के डालते हैं उसे डालते रहें तो प्लांट बहुत अच्छा ग्रो करता है। बहुत जल्दी जल्दी से नई 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 लीफ निकलने लगती है उसमें, जड़ों में से पत्तियां नई नई निकलती हैं, छोटी छोटी सब निकलने लगती हैं। तो इस तरह से इसे बुशी करने के लिए इसे लिक्विड फर्टिलाइज़र देते रहना चाहिए तो बहुत जल्दी से बुशी हो जाएगा, खूब फैल जाएगा। और उसे NPK वगैरह भी दे सकते हैं, DAP भी दे सकते हैं, ये सबसे भी प्लांट अच्छा हो जाता है। लेकिन ये पहले तो फर्स्ट प्रायोरिटी आप दीजिए ऑर्गेनिक खाद की, और ये कंपोस्ट घर की कंपोस्ट हो तो वो भी अच्छी रहेगी, तो इस तरह की खाद डाल दें। तो फिर और साल में 4 बार तो इसे ज़रूर दे देना चाहिए, हर 3-4 महीने के बाद एक बार इसे फर्टिलाइज़र दे देना चाहिए। तो प्लांट फिर अगर 4 बार 3 बार 4 बार फर्टिलाइज़र इस तरह से दे दिया गया तो बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसी में ये ग्रो करता रहता है। अब बात आती है कि कैसे इसे प्रोपगेट करें। तो फ्रेंड्स, इसका प्रोपगेशन का सबसे बेस्ट तरीका है कि हम इसके प्लांट को पूरा बाहर निकाल लें और इसकी जड़ों से इसको अलग अलग कर लें, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत ज़्यादा घनी हो जाती हैं, फैल जाती है, बिल्कुल पॉट भर जाता है। तो इसको डिवाइड करके इसे हम बहुत सारे पौधे बना सकते हैं। तो हमें और कोई बहुत ज़्यादा तरीका नहीं इसे अपनाना पड़ेगा। वैसे इसकी इसमें इसकी लीफ में इस टाइम तो अभी नहीं है, ये अभी सीज़न इसका नहीं आया है, नहीं तो इसकी पत्तियों में छोटे छोटे बीज बन के दाने की तरह जैसे लगेगा कि छोटे छोटे मोती जड़े हुए हैं, ब्लैक ब्लैक, और वो ये उसके बीज होते हैं। तो उसमें अगर इसको मैं सॉइल में इसको दबा दिया जाएगा तो उसके ज़रिए भी प्लांट में प्रोपोगेशन होता है, पौधे निकलते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये आसानी से इसे हम ऐसे ही डिवाइड करके ढेर सारे पौधे बना लेते हैं। क्योंकि अगर आपने एक बार इस पौधे को अपने घर में आपने ले लिया, फिर वो अगर अच्छे से आप उसे रख रहे हैं तो वो इतना ज़्यादा हो जाएगा कि एक नहीं 4-5 गमले आपके इजीली हो जाएंगे, या फिर आपको बांटना पड़ेगा। तो ये इस वजह से इसे प्रोपगेशन डिवाइड करके आसानी से हो जाता है, बीज
से प्रोपेगेट करने की बहुत ज़्यादा नीड नहीं होती है, लेकिन नीड अगर आपको लगे तो आप कर सकते हैं। जैसे हम अडेनियम के बीज से अडेनियम को तैयार करते हैं तो वो धीरे धीरे छोटा सा होता है, फिर बहुत टाइम लेता है बड़ा होने में, और कटिंग से हम लगाते हैं तो कटिंग आसानी से बड़ी जल्दी से हो जाती है। और तो उसी उसी तरह ये भी है, मैंने मेरे इस प्लांट के बीज मेरे गार्डन में इधर उधर उड़ के फैल गए, तो मैंने कई जगह देखा कि ये अपने आप प्लांट बीज से पौधा बन के तैयार हो गया। तो ये बीज उड़ते हैं तो उससे भी पौधे निकल आते हैं। तो इसके बीज भी मैं मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने दो पौधे मैंने इसी अभी 2-4 दिन पहले मैंने देखा कि 2-3 पौधे मुझे दिखे, तो मुझे ऐसा लगा कि ये तो फर्न है। तो आई थिंक ये जो पत्तियों से ये पत्तियां वगैरह उड़ के इधर उधर मिट्टी में दब जाती हैं तो इससे ये प्लांट अपने आप निकल आते हैं। तो इस तरह से ये प्रोपगेशन हम बीज से भी कर सकते हैं जो इनकी पत्तियों में बीज बन के तैयार होते हैं। अब मैं नेक्स्ट टाइम इसकी वीडियो बनाऊंगी, जब इसमें बीज आ जाएंगे तब मैं इसकी दिखाऊंगी बना के। तो फ्रेंड्स इसमें एक बटन फर्न भी आती है जो छोटी होती है, बहुत छोटी छोटी उसकी पत्तियां होती है, इतनी ही होती है। वो मेरे पास है बास्केट में, मैंने उसे लगा रखा है, मैंने इस वाली वाली वैरायटी को भी बास्केट में लगाया हुआ है और उस वाली छोटी वाली जो फर्न बटन फर्न होती है वो भी लगाया है, बहुत खूबसूरत लगती है। तो इसकी बहुत सारी वैरायटी आती है, इसी की बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं, तो आप कोई भी लगा सकते हैं सभी। ये तो बोस्टन फर्न है, ये बहुत खूबसूरत लगती है, तो इसे अगर आपको कहीं मिले नर्सरी में तो आप इसे ज़रूर लगाएं, बहुत खूबसूरत पौधा है और बहुत ही लो मेंटेनेंस, आसानी से सरवाइव करता है, इसे ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। साल में पानी पानी डालते रहें, साल में 4 बार खाद देते रहें और इसे सही जगह पर रख दें, बस ये अपने आप ये चलता रहता है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये सारी जानकारी पसंद आई होगी, और नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर किसी प्लांट के बारे में आपसे बात करूंगी। आप लोग मुझे इजाज़त दीजिए, आप लोगों का शुक्रिया, शुक्रिया बहुत।